गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आर चैनल। सो आज जो है मैं जा रही हूँ पापा के साथ, मतलब जब से मेरे पापा जो हैं गांव से यहाँ आए हैं वापस घर, तो तब से उनकी जो है तबीयत सही नहीं रह रही है। मतलब पहले हमने सोचा कि एक दो दिन का बुखार होगा, ऐसे ऐसे करके ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ ब्लड सैंपल टेस्ट वगैरह बोले हैं तो वो कराने हैं आज, और फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पापा तो मेरे कब का चले गए हैं एंड मैं लेट हो रही हूँ। अभी मैं एकदम से उठी हूँ और मैंने फटाफट मुँह हाथ धोया और मैं सीधा जा रही हूँ अभी, क्योंकि लेट होंगी तो फिर मेरे पापा डांटेंगे मुझे। तो मिलते हैं बाद में और बाय। नहीं नहीं कर रहे भाई, आज आप खुली खुली हो गई थी ना आपकी, आज ये भाग गया था सुबह सुबह, तो इसलिए जो है इसकी नहीं नहीं हो रही है। कहाँ लितपत करके आया आपने आपको, हैं पूरा गोबर में कीचड़ में करके आया होगा। ए टिक्कू क्यों भागा तू, घर में नहीं नचा था तू, हैं आवारा कुत्ता बनने का बहुत शौक है तुझे। सो हम लोग आ गए घर और मैं देखने आई थी बर्फ, क्योंकि बर्फ पड़ी थी मसूरी में पीछे, लेकिन बढ़िया वाली नहीं है, मतलब पिघल गई हो तो ज़्यादा नहीं पड़ी मुझे लग रहा है। बाकी यार हम लोग गए सुबह 8 बजे से निकले हुए थे, पापा तो मुझसे थोड़ा पहले निकल गए थे, और जहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड कराना था वहाँ पे गए, तो फिर पहले वेट किया क्या फिर उन्होंने बोला अब आएंगे तब आएंगे, फिर वहाँ फिर 11 भी बज गए, फिर बोला अब आएंगे, फिर पता चला कि वो 12 और 1 इतने बजे आएंगे। मैंने कहा पागल हो गए, सुबह के 8 बजे निकले हुए हैं, 7:30 8 इतने बजे निकले हुए हैं और पागल हो गए। मैंने कहा ये इतना, वैसे हमने वहाँ पे काफ़ी वेट करा था, क्योंकि इसलिए वेट करा, मैंने कहा कौन घर जा रहा, मैंने कहा चल छोड़ना, मैंने कहा चल यहीं पर जो है वेट कर लेते, थोड़ा सा टाइम कट जाएगा, पर वो आए नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर बोला उन्होंने कि ऐसा करते हैं हम आपको दूसरी ब्रांच में वो भेज देते हैं, एम्बुलेंस आ रही है करके। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैंने कहा वो भी तुम्हारी आधे घंटे में आएगी, फिर टाइम वेस्ट, पता नहीं उसका भी आती कि नहीं आती, क्या होता। फिर ऐसा भी नहीं था कि वहाँ जल्दी नंबर आ जाता हमारा, जो दूसरी ब्रांच थी वहाँ पे भी उनका जो है बोर्ड थे, पता नहीं कब तक आएगा। मैंने कहा नहीं यार, इतना टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, क्योंकि पापा खाली पेट भी थे तो फिर भूख तो उनको बार बार लगती रहती है, तो वो खाली पेट रह भी नहीं सकते ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, घर ही लेके आते, तो मेरा रिफंड करो, मेरा पैसे दे दो। तो उन्होंने पैसे दे दिए थे, तो फिर सही हो गया था बढ़िया। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, जहाँ भी मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, आज मैं जल्दी, मतलब मुझे रात में ऐसा था कि यार पापा के साथ जाना है मुझे ऐसे ऐसे करके, और उनका टेस्ट वगैरह ये सब कराना है, तो मैं जल्दी उठ गई थी एंड ये सब, और जहाँ मतलब काफ़ी जल्दी फर्स्ट हम ही थे हर जगह, और जल्दी जल्दी पहुँचे, लेकिन जो है हुआ नहीं कुछ काम, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है, जहाँ भी जल्दी जाती हूँ वहाँ ऐसे होता है, और जहाँ मैं लेट जाती हूँ वहाँ मेरा नंबर पहले भी आता है, और काम बहुत ही स्मूथली और बहुत बढ़िया तरीके से होता है, तो इसलिए मैं लेट ज़्यादा अच्छा मानती हूँ अपने आप को करने के लिए। अरे बारिश की बूंदें भी जो है पड़ी रही हैं धीरे धीरे। बाकी ब्लड सैंपल तो पापा ने दे ही दिया है, वो ब्लड सैंपल वाला भी बाबा पहले बोल रहा था 5400 के सारे टेस्ट, फिर मैंने एक भैया हैं जो हमारे उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने बोला कि उनके तो 4000 में हो गए थे, तो फिर मैंने कहा कि वो तो ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर 54 से 5000 में आया, फिर 5000 से फिर ऐसे, फिर बोला इसमें एक एक्स्ट्रा है ये सो करके, तो मैंने कहा चल छोड़ यार कहाँ भगाऊँगा पापा को, तो तू ऐसे कर 4500 में ही जो है हमारे सारे टेस्ट कर लिए, तो 4500 वहाँ लग गए। बाकी जो है छोटे चुन्नु मुन्नु से मिल के आती हूँ अभी, उनको मैंने देखा नहीं था सुबह से, तो चलते हैं उनसे मिल के आते हैं। सो डोरा इज नॉट हियर, और मैं फटक से मौका देखते ही आ गई, क्योंकि वो फिर बैठी रहती है इनके ऊपर। आय हाय सारे बच्चे सो रहे, 3 3 6 7, ओए उठो बच्चों, क्यूटी क्यों कर रहा, कुकी कुकी का छोना है, कितना क्यूट है। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। सो हियर इज अ डोरा मम्मा, आ गई, इतने जोर जोर से भाग के आई है तेज तेज, और इसके बच्चे देखना जरा, जैसी आई सब चिपक गए। ओए डोरा खाना पीना खाया आज?
दिस ब्लैक वन इज वेरी गुड. चलो जाओ जाओ, दूध पियो दूध पियो. ओके डोरा, डोरा को करते हैं बाय बाय डोरा, क्योंकि बारिश होने लग गई है. चलो चलते हैं घर. तो यहाँ मैक्रोनी भी बन चुकी है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का. बहुत टाइम बाद जो है मैक्रोनी खाएंगे आज हम. चलो मैं खाऊंगी यहाँ पे बैठ के. मम्मी पापा खा रहे हैं ऊपर छत में, और निक्की तो है नहीं, तो मैं खाऊंगी यहाँ पे बैठ के. सो ये रहा बर्थडे केक, और बर्थडे है हमारे शेफ साहब का. अरे खोलो. तू क्या ऐसे हेलमेट में केक काटने वाला है? नया स्टाइल है, नया ट्रेंड बना लेते हैं. ले जरा, यहाँ के फर्नीचर गायब हो गए हैं, आज आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा. अरे ऐसे क्यों बैठा, ढंग से बैठना. हमने थोड़ी बैठना है, केक काटने बैठना है ढंग से. चलिए अपना केक खुद काट लिया है. हैप्पी बर्थडे का कहाँ लगाया है? इधर है साइड को. चल कोई नहीं, सुन तो दीपक, ये कितनी गंदी वीडियो क्यों आ रही है इसमें. हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्म दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो. काटिए काटिए. इतना शांत तरीके से मना रहा हूँ, शांत बच्चे. किस बात की खुशी होगी? एक साल गड़ी है ना, बोल. कोई नहीं, जस्ट खाओ 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 खाओ. अरे सही तो लग रहा है, केक तो ये खाएगा नहीं, तो इसके गालों पे थोड़ा सा केक लगा दिया जाए. ज्यादा वेस्ट ना करके थोड़ा थोड़ा लगाएंगे बस. लगे क्या? चलो थैंक यू सो मच केक लाने के लिए. हैप्पी बर्थडे, बाय बाय. जन्मदिवस की और बार बधाई. मेरे को खांसी हो रही है. चलो भाई बाय. देखो चले गया वो, चल हो गया बाय. फिर मिलेंगे जल्दी. बाय टिकू, बाय. क्या बाय? अब हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये टिकू जो है वो करता है. ताला लग गया टिकू, ताला लग गया. अब चलो भाई, बर्थडे बॉय गया, केक लेके आया. केक जाएगा ऊपर और हमारे पेट में. लाइट बंद कर दो, ये हटो. चलो टिकू, बाय टिकू. खाएंगे, तू भी खाएगा? ये केक जाएगा पापा को. पापा केक खाओगे? नहीं खाओगे? खा लो, दीपा का बर्थडे था. दीपा का बर्थडे दो. पापा की जो है शक्ल कैसी हो गई है बीमारी से. केक खा लो तब ठीक हो जाएगी. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दीपक. मैंने सोचा था जब हमारा डाइनिंग टेबल आएगा तो मैं केक काटूंगी उस पे, लेकिन जो है मैं ला नहीं पाई थी, तो इसलिए ये वाला केक काट लेती हूँ. हैप्पी बर्थडे दीपक वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर केक. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें. बाय बाय, लव यू, टेक केयर.